बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एडीबी लेक्चर नंबर 4 में खुश आमदीद। हाँ जी, आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्लोप ऑफ लाइन, यानी दरअसल आज हम ज्योमेट्री के बारे में और उसमें पहला एलिमेंट जो है हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में आज हमारी सारी डिस्कशन होगी। तो उस सिलसिले में आपको मैंने पहले भी कहा था, पिछला लेक्चर जो है मैंने आपसे कहा था कि आप अच्छी तरह से उसको स्टडी करें। उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छी तरह उसको स्टडी किया होगा। अगर पिछली बातें आपको अच्छी तरह से याद हैं तो आज की सारी बातें इंशाल्लाह बेहतर तरीके से आप समझेंगे। हाँ जी, सबसे पहली बात यह है कि स्लोप ऑफ अ लाइन, इसको हम सबसे पहले डिफाइन कर रहे हैं। डेफिनेशन में यूं है कि मैथमेटिक्स में दरअसल हम कहते हैं किसी भी लाइन की स्टीपनेस, स्टीपनेस ऑफ अ लाइन इज कॉल्ड स्लोप। स्टीपनेस क्या कहते हैं? स्टीपनेस किसी शय की खड़ाई को कहते हैं। कोई चीज किस हद तक जमीन के साथ 90 दर्जे का एंगल बना रही है उसको हम कहते हैं स्टीपनेस। अच्छा, इसके लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m एंड कैन बी कैलकुलेटेड बाय राइज डिवाइडेड बाय रन। यानी दरअसल ये रेशो होती है, रेशो ऑफ राइज टू रन। यानी आप स्लोप ऑफ लाइन को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द रेशो ऑफ राइज टू रन। ठीक हो गया। अब इसमें कुछ अहम बातें ये है कि राइज जो होगा वो क्या करेगा, मेजर द वर्टिकल चेंज एंड द रन मेजर द हॉरिजेंटल चेंज। डेफिनेटली जब हम ये सारी चीजें कैलकुलेट कर रहे हैं तो राइज जो है वो वर्टिकली जो भी बॉडी है, जो भी पॉइंट है हमारी, उसकी मूवमेंट जो है उसमें चेंज आ रहा है। ठीक है, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। इसी तरह से जो रन है वो हॉरिजेंटल चेंज हो रहा है। डेफिनेटली यहां पर भी बॉडी मूव कर रही है या कोई पॉइंट मूव कर रहा है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि राइज मेजर्स द वर्टिकल चेंज एंड रन मेजर्स द हॉरिजेंटल चेंज। अच्छा, अब उसमें जो अहम बातें हैं याद रखने वाली वो ये है कि सबसे पहली बात कि स्लोप ऑफ हॉरिजेंटल लाइन वो क्या होगा, स्लोप ऑफ हॉरिजेंटल लाइन इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, और हॉरिजेंटल लाइन किस शक्ल में होती है, हमेशा वाई इज इक्वल सम कॉन्स्टेंट बी की शक्ल में। इसी तरह से दूसरी बात, स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन इज ऑलवेज क्या होता है, अनडिफाइंड, और इसको इन आम तौर पर हम कैसे लिखते हैं, वन डिवाइडेड बाय जीरो। ठीक है, उसके बाद तीसरी बात कि स्लोप ऑफ अ लाइन बाइसेक्टिंग द फर्स्ट एंड द थर्ड क्वाड्रेंट, लाइन बाइसेक्टिंग द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट इज ऑलवेज क्या होता है, वन प्लस वन होता है, और इसकी जो इक्वेशन होगी वो वाई इज इक्वल एक्स की शक्ल में हमेशा लिखी जाएगी। चौथी बात यह है कि स्लोप ऑफ लाइन बाइसेक्टिंग द सेकेंड एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट इज ऑलवेज क्या होता है, माइनस वन, और इसकी इक्वेशन जो है वो हमारे पास होगी वाई इज इक्वल माइनस एक्स। ठीक है, अच्छा, अब इन सारी बातों को कि उसका स्लोप किसी भी लाइन के लिहाज से पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, अनडिफाइंड होगा, जीरो होगा, उसके लिए एक क्विक यहां पर गाइड बनाया गया है, इसको भी अच्छी तरह से स्टडी कर लें। अगर लाइन अप जा रही है, अगर किसी लाइन में यू टेंडेंसी है कि वो अप जा रही है, अप साइड जा रही है, हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया जा रहा है कि लाइन इज गोइंग टू अपवर्ड, ठीक है, तो फिर क्या होगा, उसका स्लोप ऑलवेज पॉजिटिव होगा, उसका स्लोप ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इसी तरह से अगर कोई लाइन डाउनवर्ड जा रही है तो उसका स्लोप ऑलवेज नेगेटिव होगा, और अगर कोई लाइन हॉरिजेंटल है, लाइन हॉरिजेंटल है तो उसका स्लोप जीरो होगा, और अगर कोई लाइन वर्टिकल है इस तरह से तो उसका स्लोप अनडिफाइंड होगा। ठीक है, तो इस तरह की बातों को ध्यान नशीन करेंगे। ये सारी बेसिक बातें हैं जो आपके लिए इंतहाई अहम है, इनको ध्यान में रखेंगे तो अगली बातें आपके लिए आसान होती जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास ये है कि अब स्लोप ऑफ अ लाइन बिटवीन द टू पॉइंट्स, अगर हमारे पास जस्ट दो पॉइंट बता दिए जाएं किसी भी लाइन के, तो फिर हम उसका स्लोप कैसे फाइंड कर सकते हैं।
उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, इफ वी हैव द टू पॉइंट्स ऑन द लाइन, जिसको हमने पी वन और पी टू का नाम दे दिया है, तो अब हम उसका स्लोप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये नई बात नहीं है बेटा, ये वही बात है जिसको हम पीछे राइज और रन कहकर आ रहे हैं, और वहां पे हमने कहा था कि राइज किस बात को मेजर कर रहा है, हमारे पास चेंज इन द वर्टिकल, और ये मेजर कर रहा है चेंज इन द हॉरिजॉन्टल। तो इसमें से हमेशा सेकेंड माइनस फर्स्ट वैल्यू जब डिफर किया जाएगा तो हमारे पास चेंज आ जाएगा। तो इस बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे पास ये एक फार्मूला बन गया, ये हम टू पॉइंट फार्मूला भी कहते हैं स्लोप का, कि जब हमारे पास दो पॉइंट हो किसी भी लाइन के तो इस तरह से हम उसका इजीली स्लोप फाइंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक पॉइंट है माइनस टू माइनस थ्री और दूसरा पॉइंट है माइनस सेवन एंड प्लस फोर, देन अगर हम इसका स्लोप फाइंड करना चाहें। अच्छा, अब इसमें से मैंने इसको P1 का नाम दिया, इसको P2 का नाम दिया, आपकी मर्जी है, आप दोनों में पोजीशन बदल दें, इसको P2 कह दें, इसको P1 कंसीडर कर लें, स्लोप पे फर्क नहीं पड़ेगा, स्लोप की वैल्यू वही की वही आएगी। ठीक हो गया, आप जैसे मर्जी कैलकुलेट कर लें, स्लोप सेम रहेगा। अब हमारे पास क्या है कि 4 माइनस और फिर माइनस 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस तरह से 7 बन जाएगा और डिवाइडेड बाय माइनस 7 प्लस 2, हमारे पास माइनस पांच आएगा। अच्छा, अब ये नेगेटिव ऊपर की वैल्यू के साथ हो, नीचे की वैल्यू के साथ हो, हमारे लिए सिर्फ एक बात है कि होल वैल्यू इज नेगेटिव, यानी स्लोप हमारे पास नेगेटिव आ गया, लिहाजा हम कह सकते हैं कि लाइन गोइंग डाउनवर्ड। ठीक हो गया, सो बाय द अबव वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन यूजिंग द फार्मूला। अब इसके लिए हमारे पास फार्मूला होगा कि एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल एम इंटू वाई माइनस वाई वन। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास दिस इज कॉल्ड द पॉइंट स्लोप फार्मूला। हमारे पास इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जब हम इसको लिखेंगे तो वो बन जाता है हमारे पास y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी विद द स्लोप m एंड द y इंटरसेप्ट जीरो c। ये जो C है ये हमारे पास Y इंटरसेप्ट होगा, और ये जो M लिखा है वो हमारे पास क्या होगा, स्लोप ऑफ द लाइन होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास फार्मूला एक और बनता है, उसको हम कहते हैं टू इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर हमारे पास X इंटरसेप्ट Y इंटरसेप्ट दोनों बता दिए जाएं तो तब हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन बनती है वो होती है x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल वन। तो इस तरह से इंटरसेप्ट आप जानते हैं इस तरह से लिखा जाएगा, यानी सम x की वैल्यू हमारे पास गिवन हो a और डेफिनेटली y जीरो होगा, इसी तरह से y इंटरसेप्ट जब होगा उसमें x जीरो होगा और y की सम वैल्यू होगी b। तो लिहाजा हमारे पास अगर x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट दिए जाए और फिर हम उसकी इक्वेशन निकालना चाहें तो सिंपली x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल वन, इसको सिंपलीफाई करेंगे हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। चौथी शक्ल ये है कि स्लोप ऑफ ऑल पैरेलल लाइन हैव द सेम वैल्यूज। ये बात अहम है कि अक्सर हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बता दिया जाएगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू सम गिवन लाइन। तो पैरेलल का जब लफ्ज आ जाएगा तो हम समझेंगे कि दोनों का स्लोप आपस में क्या होगा, एक जैसा होगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको इक्वेट कर लेंगे, m1 और m2 हमेशा सेम रहेंगे। इफ बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर हमें यह बता दिया जाए कि दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो फिर क्या होगा, हमारे पास उनके प्रोडक्ट का स्लोप का प्रोडक्ट ऑलवेज माइनस वन होगा। If both the lines are perpendicular, then m1 multiply m2 always minus 1। और इसमें से अगर हम कोई एक वैल्यू गिवन हो, m1 की वैल्यू गिवन हो या m2 की वैल्यू गिवन हो, तो भी हम इजीली दूसरा स्लोप फाइंड कर सकते हैं, यानी इसमें से एक को इधर तकसीम कर देंगे तो नेगेटिव रेसिप्रोकल जो है वो दूसरे का स्लोप हमें मिल जाता है। यानी यहां पे वैल्यू पुट करके तब सॉल्यूशन बना लें, आपकी मर्जी है, और इसमें से फर्दर दूसरा एक शक्ल बना लें, यानी नेगेटिव रेसिप्रोकल बना लें और वहां से उसका सॉल्यूशन बना लें, ये आपकी चॉइस है। ये जिस तरह आपको आसान लगे आप इसको कर सकते हैं, नेक्स्ट आगे जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो ये बातें आपको नजर आ जाएंगी। अब हमारे पास यूं है कि जो नोट की बात है इसमें वो यूं है
कि पैरेलल लाइंस हैव द सेम स्लोप बट डिफरेंट वाई इंटरसेप्ट। उनके स्लोप तो आपस में एक जैसे होंगे लेकिन उनके वाई इंटरसेप्ट क्या होंगे, आपस में डिफरेंट होंगे। अच्छा, फिर पैरेलल वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल लाइंस भी आपस में पैरेलल हो सकती हैं। पैरेलल वर्टिकल लाइंस हैव द डिफरेंट एक्स इंटरसेप्ट, उनके एक्स इंटरसेप्ट डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी बातें बार बार इसलिए जिक्र आ रही हैं कि ये अहम बातें होती हैं जिनको नोट करना है हमें, और जब हम इक्वेशन सॉल्यूशन बनाएंगे तो उस वक्त ये सारी बातें हमारे लिए हेल्पफुल होंगी। अब हम इन बातों को, ये जो पीछे हमने जितनी बातें डिस्कस की हैं उनको एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हमारे पास एक लाइन गिवन है, 3x - 2y = 6 एंड y = 3/2 x + 1। अब हमें चेक करना है कि ये जो दो लाइंस हैं पैरेलल हैं आपस में या नहीं है। ठीक है, तो हमने पीछे एक इक्वेशन की टाइप पढ़ी है y = mx + c, यानी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो हमारे लिए आसान बात ये है कि हम इनको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल लें, यानी y लेफ्ट पर रह जाए और बाकी सारा कुछ राइट पर ले आए। तो देखें, इस तरह से हमारे पास 3x - 2y = 6 था, तो हमने y को लेफ्ट पे रखा और बाकी 3x को जब हम राइट पर लाएंगे तो हमारे पास वो नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह से -2 फिर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू बनती है y = 3/2 x - 3। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि x का जो कोफिशियंट है वो क्या होता है, स्लोप होता है, और उसका जो y इंटरसेप्ट हमारे पास बन रहा है इस वक्त -3 है, तो 0 - 3 पॉइंट की शक्ल यूं बन गई। ठीक हो गया। इसी तरह से जो सेकेंड लाइन थी वो पहले से बनी बनाई थी y = mx + c की शक्ल में, तो 3/2x जो है हमारे पास उसका स्लोप है और y इंटरसेप्ट जो है वो उसका +1 था, तो लिहाजा 0 और 1 पॉइंट की शक्ल बन गई। अब हम देख रहे हैं कि m1 और m2 क्या हैं, एक जैसे हैं। m1 m2 आपस में बराबर हैं, इसका मतलब ये हुआ कि लाइन आर पैरेलल एंड वी सीन दैट डिफरेंट y इंटरसेप्ट। ये पीछे बात की थी हमने के पैरेलल लाइन हैव द, ये ऊपर लिखी हुई है, सेम स्लोप बट डिफरेंट वाई इंटरसेप्ट। अब ये एग्जांपल में आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं दोनों का वाई इंटरसेप्ट जो है वो डिफरेंट है लेकिन उनके स्लोप आपस में एक जैसे हैं। इसी तरह से अगली एग्जांपल है हमारे पास और वो यूं है कि 7x + 2y - 3 and 2x + 7y = 5 आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम देखते हैं कि सबसे पहले इसको भी हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो 2x + 7y = 5। अब हम इसको अगर हम इस तरह से स्लोप बनाएं तो हमारे पास m1 बन रहा है -2/7, और दूसरी इक्वेशन को भी अब हम जब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलते हैं तो हमारे पास जो स्लोप बन गया है m2 - 7/2। अच्छा, अब एक बेहतरीन सिचुएशन है, देखें दोनों ये जो नंबर हैं इनके अगर आप नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दें, थोड़ी देर के लिए हम नेगेटिव साइन इग्नोर कर दें, तो ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, ये दोनों नंबर एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। लेकिन हम देख रहे हैं ये दोनों डिफरेंट हैं। ठीक है, m1 m2 एक जैसा नहीं है। अच्छा, इनको मल्टीप्लाई करने से -1 भी नहीं आ रहा। ठीक है, हमने कहा था कि अगर इनके प्रोडक्ट -1 आ जाए तो वो होंगे आपस में परपेंडिकुलर। अब यहां सिचुएशन यूं बन रही है, एज वी ऑब्जर्व दैट m1 एंड m2 आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर बट हैव द सेम साइन, साइन इनका सेम है, यानी इनका मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ रहा है +1। अब यहां से नतीजा क्या है, सिंपल सी बात है कि हमने सिर्फ इतना नतीजा निकालना था कि लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं या नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास रिजल्ट जो है वो +1 आ रहा है। अगर -1 आता तो हम कहते हैं कि लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, लेकिन इस वक्त हमारे पास क्या है, सिचुएशन ऐसी है कि हम कहेंगे लाइंस आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, द लाइंस आर नॉट परपेंडिकुलर, दैट्स योर आंसर। ठीक है, इसके अलावा हमें और कोई नई बात नहीं करनी। इसी तरह से नेक्स्ट अगली लाइन एग्जाम्पल देखते हैं कि y = -5x - 4 और x - 5y = 5। इनको भी हमें चेक करना है कि इनका आपस में क्या रिलेशन है।
तो M1 हमारे पास जब इसको हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बदला, अब देखें वो चीजें जो बार बार हम जिक्र कर रहे हैं, अब मैं बार बार यहां लिखूंगा नहीं कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, अब मैंने बोल दिया, इसका मतलब है अब आपको समझना चाहिए कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगी, कैसे बनती है, ये सारा हम पीछे करके आ रहे हैं। तो अगर हम बार बार इन चीजों को करेंगे, एक ही चीज को बार बार रिपीट करेंगे, तो वो खाम खा वो एक चीज जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेंथ ले जाती है। तो एम वन हमारे पास आ गया माइनस पांच, और दूसरी लाइन है इसको भी हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बदला, तो M2 की वैल्यू आ गई 1/5। अब हम यहां पे देख रहे हैं कि M1 मल्टीप्लाई M2 माइनस 5 मल्टीप्लाई 1/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, टोटल रिजल्ट माइनस 1 आ गया। तो आपने देखा कि अब हमारे पास स्लोप का प्रोडक्ट आ गया है माइनस 1, देयरफॉर हमारे पास अब हम कह सकते हैं कि लाइंस आर परपेंडिकुलर। अब यहां पे प्रैक्टिस के लिए कुछ सवाल आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, तो इनको जरा आप अटेम्प्ट करेंगे तो आप बेहतर तौर पर इनको मजीद इन बातों को समझ पाएंगे। और वो यूं है कि क्वेश्चन नंबर 140 से 150, ये कुल 10 सवाल हैं। इन 10 सवालों को आप अच्छी तरह से अगर देखेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, तो आप लाइंस के पैरेलल परपेंडिकुलर उनके आपस के जो रिलेशन हैं उनको बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड कर लेंगे। ये पेज 278 पर है, 278 पर है, किताब वही चल रही है जो कि पिछली हमारी थी इंटरमीडिएट अलजबरा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास अगली बात क्या है। अब हम देखते हैं कि फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ अ लाइन यूजिंग द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी, इस फार्मूले को इस्तेमाल करके मजीद हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करते हैं, कैसे करते हैं, डिफरेंट इंफॉर्मेशन यूज करेंगे। देखें एग्जांपल हमारे पास है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग टू पॉइंट्स, पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। शुरू शुरू की बात याद करें, जब हमने स्लोप फाइंड किया था तो उस वक्त आपको एक फार्मूला बताया मैंने कि अगर हमारे पास किसी भी लाइन के दो पॉइंट हो तो फिर हम उसका स्लोप फाइंड कर सकते हैं। अब देखें यहां पर हमारी जरूरत क्या है, एक तो स्लोप हमारी जरूरत है और वाई इंटरसेप्ट हमारी जरूरत है। अगर ये बातें हमें पता चल जाए तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन बना लेंगे। तो अब हम देख रहे हैं हमारे पास गिवन क्या है, दो पॉइंट गिवन है। तो फर्स्ट वी फाइंड द स्लोप एम इज इक्वल, ये हमारे पास दो पॉइंट है, उनकी मदद से हमने वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन की मदद से हमने स्लोप बना लिया और वो बन गया 1/-2। अच्छा, एंड द वाई इंटरसेप्ट सी क्या है, वो माइनस 4 है। अब कैसे, ये नंबर पे गौर करें, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट माइनस 4 है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे पास जब वाई एक्सिस पर हम जाते हैं, वाई एक्सिस पर क्या होता है, एक्स 0 होता है और सिर्फ वाई की वैल्यूज होती हैं, इसलिए यहां पर हमारे पास ये जो माइनस 4 है ये वाई इंटरसेप्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ। और यहां हमारी जरूरत भी यही थी, एक एम और एक सी की वैल्यू। तो अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं, इनमें रिप्लेस कर दें, रिप्लेस करने से हमारे पास क्या मिला, हमने इसको सिंप्लीफाई किया, हमारे पास एक्स प्लस 2y इज इक्वल माइनस 4, ये हमारी इक्वेशन आ गई और यही हम फाइंड करना चाहते थे। देखो ये सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है, दो पॉइंट दिए जाएं, सिर्फ दो पॉइंट बताए थे और उन दो पॉइंट की मदद से हमने ऊपर की सारी इंफॉर्मेशन इन्हीं दो पॉइंट से ले ली, उसका हमने स्लोप बना लिया, स्लोप बनाने के साथ साथ उसमें से ऑब्जर्वेशन की है कि हमारे पास उसका वाई इंटरसेप्ट भी उसी में मौजूद था और फिर हमने फार्मूला इस्तेमाल करके उसकी इक्वेशन बना ली। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल में ये है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन बाय स्लोप एंड अ पॉइंट। अगर हमें स्लोप बता दिया जाए और उसका पॉइंट भी बता दिया जाए तो तब हम इसको कैसे फाइंड करेंगे। हमारे पास जो स्लोप इंटरसेप्ट पॉइंट स्लोप फॉर्म जो है वो क्या होगी, y माइनस वाई वन बराबर है m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये हमारे पास फार्मूला है, वेयर एक्स वन वाई वन ये वो पॉइंट होगा जो हमें बताया जाएगा और स्लोप m वो वैल्यू भी हमें गिवन होगी। अब ये इंफॉर्मेशन कैसे गिवन होगी, यहां एग्जांपल में देखें, हमें कहा गया है कि फाइंड हॉरिजेंटल लाइन कंटेन्स अ पॉइंट माइनस टू माइनस सिक्स। स्टेटमेंट को हमेशा गौर से पढ़ना है, स्टेटमेंट के अंदर बहुत सारी बातें हमें बताई जाएंगी। यहीं पर अगर यह बात लिखी होती कि फाइंड वर्टिकल लाइन, तो यहां पर हमारे पास स्लोप की इंफॉर्मेशन थी, यहां क्या लिखा है हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल कह दिया, इसका मतलब हमें स्लोप की इंफॉर्मेशन उसने दे दी, ठीक है।
स्लोप की इंफॉर्मेशन उसने दे दी। यहां पर अगर लिखा होता फाइंड द वर्टिकल लाइन तो तब भी हमारे पास स्लोप की इंफॉर्मेशन आ जाती, और हमें ये बातें खुद से याद रखनी है कि हॉरिजॉन्टल का स्लोप क्या होता है, वर्टिकल का स्लोप क्या होता है, लाइन बाइसेक्टिंग द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट का स्लोप क्या होता है, लाइन बाइसेक्टिंग द सेकंड एंड फोर्थ का स्लोप क्या होता है। ये इसलिए मैंने आपको ऊपर पहले शुरू शुरू में ही ये सारी बातें जिक्र कर दी ताकि आप इनको अच्छी तरह से जहन नशीन कर लें। जब ये बातें आपके जहन में होंगी तो फिर आप इजीली इन का सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास है एज द लाइन इज हॉरिजॉन्टल लिहाजा स्लोप उसका जीरो होगा, और पॉइंट हमें दिया हुआ है लिहाजा हमारे पास फार्मूला भी मौजूद है y माइनस y1 इज इक्वल m इनटू x माइनस x1। तो हमने इनकी वैल्यू यहां पे रिप्लेस की तो ये जीरो मल्टीपल है, ये सारा कुछ जीरो हो गया, y माइनस सिक्स माइनस और ये माइनस हो गया जमा, ठीक है, तो y प्लस सिक्स इज इक्वल जीरो। तो इस तरह से हमारे पास जो है वैल्यू जो है y इज इक्वल माइनस सिक्स, y इज इक्वल माइनस सिक्स हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी वो हासिल हो गई। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन टू पॉइंट्स, अगर हमें सिर्फ दो पॉइंट बता दिए जाएं तो फिर हम इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे फाइंड करते हैं। पीछे भी हमने एक इक्वेशन फाइंड की है, उस पर आपने देखा है अगरचे हमारे पास वहां पर भी दो पॉइंट थे लेकिन साथ ही साथ वहां पर एक पॉइंट ऐसा था जिसकी मदद से हमने उसका y इंटरसेप्ट निकाल लिया था। लेकिन अब ये जो पॉइंट हमारे पास है इसमें y इंटरसेप्ट ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे देखें, फिर फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन दैट कंटेन्स द पॉइंट, बस एनी टू पॉइंट्स हैं, इसमें कोई भी y इंटरसेप्ट नहीं है, प्लेन के कोई से दो पॉइंट है जिसमें हमने मिसाल के तौर पर लिया है माइनस थ्री माइनस वन है और प्लस टू माइनस टू है। अब हम क्या करेंगे, दो पॉइंट की मदद से हम स्लोप तो फाइंड कर सकते हैं, ये बात तो तय है। तो इस तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यूज किया इन फार्मूलों को, इस फार्मूले की मदद से हमारे पास ये इस तरह से हमारे पास स्लोप आ गया माइनस वन डिवाइडेड बाय फाइव। अच्छा, माइनस वन डिवाइडेड बाय फाइव हमारे पास स्लोप आ गया। तो अब हम देख रहे हैं कि नाउ चूज आइदर पॉइंट, हमारे पास कितने हैं, दो पॉइंट है, दोनों में से कोई एक पॉइंट एक्स वन वाई वन के तौर पर कंसीडर कर लें, कोई सा एक आपकी अपनी चॉइस है, इनमें से जिसे चाहें एक्स वन वाई वन के तौर पर कंसीडर कर लें, इक्वेशन में फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन सेम की सेम बनेगी। देन इस वैल्यू के अंदर फार्मूले में क्या किया हमने, ये सारी वैल्यू रिप्लेस कर दी, रिप्लेस करके इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास y इक्वल क्या बना, एम एक्स प्लस c की शक्ल में, यानी y इक्वल एम एक्स प्लस c की शक्ल में हमने इक्वेशन लिख दी है और यही हम चाहते थे। यूं हमने रिक्वायर्ड जब हमारे पास दो पॉइंट गिवन हो, ठीक है, गौर से देखें एनी टू पॉइंट्स गिवन हो तो फिर हम इक्वेशन ऑफ लाइन इस तरह से बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री दैट कंटेन्स अ पॉइंट। अब इसकी स्टेटमेंट को गौर करें, क्या कहा गया है, पैरेलल लाइन है, ये हमें लाइन बताई गई है और इसके पैरेलल हमें एक और फाइंड करके देनी है, ठीक है, और वो जो हमें फाइंड करनी है वो इस पॉइंट को कंटेन करती है, यानी इस लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, यूं भी कहा जा सकता है। अब हमारे पास सोल्यूशन में हम देखते हैं कि कैसे बनाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एज द लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, इसका मतलब है फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से हम क्या करेंगे, उसका स्लोप निकालेंगे। तो हमारे पास जो गिवन है वो है 2x माइनस 3, तो x का कोफिशिएंट क्या होता है, स्लोप होता है, तो m की वैल्यू निकल आई ये, लिहाजा स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन हमारे पास क्या निकला, m1 हमने उसका नाम कर दिया, ये डिफरेंट करने के लिए हमारी अपनी समझ के लिए याद रखने के लिए हमने किया है, जिस तरह चाहे आप लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन m1 का नाम दे दिया, और m1 और m आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, और m की वैल्यू कितनी है, दो है, लिहाजा m1 की वैल्यू भी दो कंसीडर की जाएगी। अच्छा, अब हमारे पास जब स्लोप आ गया, स्लोप के बाद हमें पॉइंट गिवन था, जो रिक्वायर्ड लाइन थी उसका स्लोप भी हमें पता चल गया और उसका पॉइंट भी हमें पता है, तो हमारे पास यह फार्मूला मौजूद है, इस फार्मूले में हमने उनकी वैल्यूज रिप्लेस की, इसको सिंप्लीफाई किया और यूं हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हासिल हो गई, ठीक है। तो आपने देखा कि अगर हमारे पास गिवन लाइन हो और एक पॉइंट बताया जाए
तो हम उसके पैरेलल एक और लाइन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, कि इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन अगर फाइंड करनी हो तो वो कैसे फाइंड की जाएगी। फाइंड अ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, एक लाइन हमें बताई गई है और इस लाइन के परपेंडिकुलर हमने फाइंड करनी है जो कि दैट कंटेन द पॉइंट -2 and 1, एक पॉइंट से गुजर रही है। अब हमारे पास m इसका स्लोप है 2, द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इसी तरह से हमने m1 का नाम दे दिया, तो m1 कैसे होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द m के बराबर होगा, बिकॉज आपको पीछे बात की थी कि अगर लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 के बराबर होता है। उनमें से कोई एक वैल्यू गिवन हो तो हम फिर क्या करते हैं, उन में से उनको एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल बनाकर सॉल्यूशन कर लेते हैं। हमारे पास m की वैल्यू 2 है, डिवाइड किया तो हमारे पास -1/2, ये हमारे पास इक्वेशन का स्लोप बन गया। देयरफॉर गिवन पॉइंट x1 y1 हमारे पास ये है। अब हमारे पास फार्मूला मौजूद है y-y1 = m(x-x1). अब इसकी मदद से हमने सारी वैल्यूज, m की भी वैल्यू मौजूद है, x1 y1 भी मौजूद है, वो यहाँ पर हमने रिप्लेस की है। रिप्लेस करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन हासिल हुई है y = -1/2x, ठीक है, -1 -1 आपस में क्या हो गए, कैंसल हो गए, -1 -1 सेम वैल्यूज है, सेम साइन है, बोथ साइड पर ये हमारे पास कैंसल हो जाएगा, y = -1/2x, ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन है जो कि परपेंडिकुलर टू दिस लाइन है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, एक और एग्जांपल है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन फॉर x = 5। लाइन हमारे पास क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन फाइंड करना है जो कि हमारे पास गिवन लाइन क्या कौन सी है, x = 5 कंटेन्स अ पॉइंट 3-2, यानी जो हमें क्वाइंट लाइन फाइंड करनी है वो x-5 इस लाइन के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी और इस पॉइंट से गुजर रही है। अब याद रखने की बात ये है कि पीछे हमने पढ़ा है कि x = 5 या x = some a, ये क्या होते हैं, हमारे पास वर्टिकल लाइन होती है, इन जनरल वर्टिकल लाइन होती है। अगर ये एक वर्टिकल लाइन है तो फिर इसका स्लोप क्या होगा, ये एक, अब हमने इसका क्या कहते हैं, स्लोप इसका अनडिफाइंड होगा, और इसके परपेंडिकुलर कौन सी लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, क्योंकि ये खुद वर्टिकल लाइन है तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इसकी परपेंडिकुलर होगी। इट्स ठीक है। अच्छा, अब जो हमें फाइंड करनी है वो दरअसल हॉरिजॉन्टल लाइन है, और हम जानते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है, 0 होता है। पॉइंट हमारे पास गिवन मौजूद है, फार्मूला हमारे पास है y-1/1, ठीक है, तो हमने ये सारी वैल्यू m की वैल्यू भी रिप्लेस कर दी और ये पॉइंट की वैल्यू भी रिप्लेस कर दी, तो y+2 = 0, ठीक है, ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन आ गई। दरअसल क्या है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये हमारे पास क्या है, एक वर्टिकल लाइन है जो इसके परपेंडिकुलर है। अब अगर आप इस दोनों को आपस में क्या करें, सॉल्व करें, तो डेफिनेटली हमारे पास वो जो रिक्वायर्ड वैल्यूज हैं वो हमें मिल सकती हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि कुछ प्रैक्टिस के तौर पर आपको क्वेश्चन यहां पर दे रहा हूं, उसमें यूं है कि क्वेश्चन 155 से लेकर 162, ठीक है, ये कुछ सवाल हैं जिसमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करना, उनके स्लोप फाइंड करने हैं, उनके पैरेलल परपेंडिकुलर वगैरह सिंपल सी बातें हैं। यानी आप उन लाइंस को क्या करेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और हमारे पास स्लोप की आपस की इंफॉर्मेशन, यूजिंग स्लोप इंफॉर्मेशन आपने उनको पैरेलल परपेंडिकुलर को चेक करना है। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन 171 से लेकर 181, ये भी तकरीबन 10 सवाल बनते हैं, इनमें भी वही बातें हैं जो सारी यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आपसे सारी डिस्कस हुई हैं, सारी बातें लाइंस के बारे में यहाँ दी हुई हैं। इसी तरह से 195 से लेकर 218 तक, यहाँ पर भी ये 12-13 सवाल हैं हमारे पास कुछ, जिनको आपने देखना है, अंडरस्टैंड करना है, और ये पेज 293 पर है, ये सारे के सारे एक ही पेज पर मौजूद हैं। थोड़े थोड़े सवाल हैं 228 से लेकर 234 तक, ये भी
इसी तरह से पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन क्या है कि जब हमारे पास लाइन गिवन हो, कोई पॉइंट गिवन हो, तो उसकी पैरेलल या उसके परपेंडिकुलर कोई और लाइन फाइंड करनी है, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आपने अब इनको ज़रा अच्छे तरीके से स्टडी करना है, इन एग्जाम्पल को बार बार देखें। जैसी एग्जाम्पल हैं बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन हैं, इसमें कोई डिफरेंट बात नहीं है। आप अगर इनको अच्छी तरह से स्टडी करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इनको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेंगे। मज़ीद अगर किसी को कोई परेशानी हो तो वो आप व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है आपसे, वो यूँ है कि आप जब क्वेश्चन पूछते हैं तो कम से कम क्वेश्चन के बारे में ये तो बताएं कि वो क्वेश्चन के बारे में पूछा क्या गया है। आप लोग इस तरह से क्वेश्चन पूछ देते हैं कि क्वेश्चन का नंबर लिख दिया और उसका सलूशन बताएं। अब मुझे नहीं पता होता कि उस क्वेश्चन के बारे में क्या पूछा जा रहा है। जब तक आप मुकम्मल जो क्वेश्चन है या तो बुक वाला जो पेज है उसका स्क्रीन शॉट लेकर मुझे भेज दिया करें, या क्वेश्चन की पूरी स्टेटमेंट लिख कर उसकी तस्वीर भेजें। बेहतर यह है कि सबसे, मैंने आपको पहले भी कहा था, आप अपनी अटेम्प्ट भी मुझे भेजें कि आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की है, आपकी अप्रोच क्या है। मुझे ये बात पता चले कि आपकी अप्रोच क्या है, ताकि आपकी वो खामी मुझे पता चल सके कि आपकी इंफॉर्मेशन में क्या चीज़ कमी है, कौन सी बात आपको याद नहीं है, ताकि उसका हवाला आपको मैं दे सकूँ कि आप उसको मुताबिक उसका फिर सोल्यूशन फाइंड कर सकें। जब आप अच्छे तौर पर क्वेश्चन मुझे पूरा का पूरा सवाल नहीं भेजेंगे तो उसका सही तौर पर जवाब नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि इनको अच्छी तरह से स्टडी करेंगे, इन बातों को याद रखेंगे तो बड़ी आसानी के साथ आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड कर सकते हैं। कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है, थोड़ा सा सब्र के साथ, थोड़ी सी मेहनत के साथ इन चीज़ों को ठंडे दिमाग से इनको समझें, अंडरस्टैंड करें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज का लेक्चर और उससे पिछला लेक्चर, अगर ये दोनों लेक्चर आपने अच्छी तरह से स्टडी किए हैं तो ये सारी बातें आप अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड लक।